तो आइए नाज़रीन बढ़ते हैं अपने खास खबर की तरफ। हमारी ये खास खबर है उस फतवे से मुतालिक जिसने आलम इस्लाम को गौर व खौस करने के लिए और फिक्र करने के लिए मजबूर कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मिस्र के अल अज़हर के मुफ्ती और आलिम डॉक्टर अल तैयब के दिए गए फतवे के मुतालिक, जिन्होंने इस फतवे में शिया और सुन्नी हजरात के दरमियान पैदा होने वाली गलत फहमियों के नहायत ही अमन और सब्र के साथ तमाम जवाबात दिए हैं। इस फतवे से मुतालिक ये भी बात बताई जा रही है कि ये फतवा आलम इस्लाम के लिए नहायत ही तारीख रकम कर देने वाला है, साथ ही साथ हर किसी को आज जरूरत है इसे सुनने और इसे समझने की। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पिछले दिनों इजिप्शियन चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में बताए गए वो तमाम सवालात के जवाब जिन्हें दिए थे अल अज़हर के मुफ्ती आलिम डॉक्टर अल तैयब ने, और इस टीवी चैनल पर पूछे गए ये सवालात और इनके जवाबात कुछ इस तरह थे। पहला सवाल, आपके मुताबिक क्या शिया अकायद में कोई परेशानी नहीं है? अल तैयब ने कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि 50 साल पहले शेख महमूद शलतूत, जो कि अल अज़हर के चांसलर भी थे, इन्होंने ये फतवा जारी किया था कि शिया फिकहा इस्लामी फिकहों का पांचवा फिकहा है, जैसे चार फिकहे इस्लाम में पहले से ही मौजूद है। दूसरा सवाल, हमारे बच्चे शिया इस्लाम से काफी मुतासिर हो रहे हैं, इसे अपना रहे हैं, ऐसे में हम क्या करें? ऐसे बच्चों को इस फिकहे को अपनाने दें, इन्हें तब्दील होने दें, क्या हम कुछ कहते हैं जब कोई मालिकी या हनफी जमात को छोड़ देता है? ये बच्चे बस चौथे फिकहे को छोड़कर पांचवे फिकहे को अपना रहे हैं, जो के लायक तनकीद नहीं है। शिया अब हमारे रिश्तेदारों में से होते जा रहे हैं, इनके बच्चे हमारे बच्चों से निकाह कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इन्होंने जवाब दिया, इसमें गलत क्या है, निकाह हम मजहब से जायज है। फिर सवाल किया गया, ऐसा कहा जाता है कि शिया हजरात के पास अलग कुरान मजीद है। इस पर इन्होंने जवाब दिया, ये तमाम दकियानूसी बातें हैं और गलत फहमियां हैं, और ना ही इनका कुरान हमसे अलग है और ना ही इन कुरान की सूरह अलग है हमारी कुरानी सूरों से। 23 सऊदी अरब के उलमा ने फतवा जारी किया है कि शिया काफिर हैं। अल तैयब ने जवाब दिया, मुसलमानों के लिए फतवे जारी करने की अल अज़हर के पास ही अथॉरिटी है, इसलिए इसके अलावा जारी होने वाले सारे फतवे बेमायनी और जाली हैं। तो फिर आखिर फर्क कहाँ बाकी रहा, शिया और सुन्नी में क्या फर्क है और इनके क्या मायने हैं? अल तैयब का जवाब था, ये तफरुकात बैरूनी साजिशों की पॉलिसीज है जो शिया और सुन्नी हजरात में फसाद फैलाना चाहती हैं। इनका अगला सवाल, मेरे पास निहायत संजीदा सवाल है और वो ये कि शिया हजरात अबू बकर और उमर को नहीं मानते, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये मुसलमान हैं? अल तैयब ने जवाब दिया, हाँ ये हजरात नहीं मानते, पर क्या अबू बकर और उमर को मानना इस्लामी कवानीन में शामिल है? अबू बकर और उमर की कहानी तारीखी है, इनका इस्लाम के बुनियादी अकायद व कानून से कोई लेना देना नहीं। इन सवालात पर हैरत ज़दा होते हुए एक और सवाल किया गया कि शिया हजरात का बुनियादी मसला है और वो ये है कि शिया हजरात कहते हैं कि इनका इमाम वक्त हजार सालों से अब भी जिंदा है। अल तैयब ने जवाब दिया, हो सकता है कि वो जिंदा हो, क्यों, क्या ये मुमकिन नहीं है? पर ये कोई जरूरी नहीं है कि हम सुन्नी हजरात भी उनकी तरह इस पर अकीदा रखें। आखिर में उनसे सवाल किया गया, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के हवाले से रिपोर्टर ने पूछा कि शिया हजरात का ये भी मानना है कि इनके एक इमाम को इमामत 8वें साल में मिली, क्या ये मुमकिन है कि 8 साल के बच्चे को इमामत मिले? अल तैयब ने जवाब दिया कि अगर एक नौमौलूद बच्चा नबी बन सकता है, जिसे हम नबी ईसा के नाम से जानते हैं, तो एक 8 साल के बच्चे का इमाम बनना क्या मुश्किल और नामुमकिन है? और ये बात कोई अजीब भी नहीं, हालांकि हम अहले सुन्नत हजरात इससे तस्लीम नहीं करते, पर शिया हजरात का ये अकीदा इस्लाम से बाहर का नहीं है और ना ही इस्लाम को इससे खतरा है, और ये हजरात मुसलमान हैं। और इस तरह अल अज़हर के मुफ्ती और आलिम ने इन तमाम जवाबात के साथ ये साबित कर दिया कि इस्लाम में सब्र तहम्मुल अब भी बाकी है और इसमें इत्तेहाद दुनिया के सामने लाना नहायत ही जरूरी है।